हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो शाम को खाना बना रही थी तभी बेटा बोला कि मम्मा वो ड्राई फ्रूट बिदानी वाला आइटम ख़त्म हो गया तो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा फटाफट उसको भी बना देती हूँ। तो मैंने थोड़े से तिल भून लिए बिना घी डाले सिंपल, और जैसे ही वो हल्के से चटकने लगे वैसे ही मैंने उतार लिया और थोड़ी थोड़ी ड्राई फ्रूट सब ले ली और आ गई हॉल में। आराम से बैठ के बना दूंगी यहीं पे। तो इसका फुल वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट विद हनी। तो आराम से बैठ के बनाते हैं ड्राई फ्रूट विद हनी रेसिपी। इसी बोतल में बनाएंगे अच्छी सी। इन शीशियों में हनी के साथ ड्राई फ्रूट आता है बाजार में, और ये जरा जरा सी बोतल ढाई ढाई 300-300 रुपए में मिलती है। तो आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं और कम कीमत में भी बना सकते हैं। और वैसे भी हम लोग ड्राई फ्रूट तो हर महीने लेके आते हैं और खाते हैं, तो आप इसमें आराम से और अच्छी क्वांटिटी में बनाना चाहें तो 15 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। तो बाजार से आपको घर में सस्ता ही पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। इसके लिए ये ड्राई फ्रूट ले लिया है, काजू, बादाम और खजूर और पिस्ता और दो तरह की किशमिश, और ये थोड़े से तेल स्वाद के लिए। तो मैंने इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और ये अंजीर ले ली है, 4 अंजीर, और ये दालचीनी, काली मिर्च और इलायची स्वाद के लिए, तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, बढ़िया आ जाता है। और यहाँ पे ये शहद ले लिया है। तो पिस्ता को मैं पीस रही हूँ और पिस्ता के साथ साथ ये सारे मसाले भी इसी में डाल देंगे, तो बड़ा ही टेस्टी और फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ड्राई फ्रूट विद हनी की बोतल तैयार हो गई है, और ये बाजार में बड़ी ही कॉस्टली मिलती है, और घर में देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और घर में ड्राई फ्रूट तो आती ही है, तो बड़े आराम से अपने बच्चों के लिए बनाइए और उनको खिलाइए। घर की चीज घर की होती है, और बच्चे भी बड़ा ही मन से खाते हैं। मेरा बच्चा तो इतना बड़ा है फिर भी उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए एक बार एक बोतल लेके आई थी, उसके बाद से मैं घर पे ही बनाती हूँ इसको। तो आप लोग भी बनाइए और अपने बच्चों को हेल्दी बनाइए। तो इसमें मैंने लौंग, काली मिर्च और दालचीनी तीनों का पाउडर करके इसमें ऐड कर दिया है पिस्ता के साथ। तो वो क्या होता है कि जो बच्चों को मौसम का इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी जुखाम वगैरह, तो वो भी कवर करेगा। शहद के साथ दालचीनी का चूर्ण खाने से खांसी और जुखाम वगैरह ठीक होता है। तो अब बच्चों को अलग से नहीं खाना पड़ेगा, इसी में मिला रखा है। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये बन के तैयार हुआ है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए और घर में ही बनाइए। तो रात में ये बना के रख दिया और 2 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। और अब आप सबसे मिल रही हूँ सुबह। तो सुबह सबसे पहले उठ के फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि सामने ही से ही सूर्य भगवान निकलते हैं तो धूप आ जाती है, तो फूल सारे मुरझाने से लगते हैं। और फिर घर का जो डेली का रूटीन है, काम काज का, सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद नहा धो के आ गई मंदिर में, की पूजा, और आ गए दूध वाले भैया तो दूध लेने चली गई। और दूध लेके आ गई फिर किचन में। तो आज बनाने जा रही हूँ चने का नाश्ता। तो रात में ही मैंने चने भिगो दिए थे, तो चने छौंकने जा रही हूँ नाश्ते में। और उधर मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं गीता, तो गीता का पाठ कर रहे हैं, तो वो भी आवाज़ आ रही है। तो सुबह नाश्ते में चने का या स्प्राउट का नाश्ता बहुत ही अच्छा रहता है। मैं ज़्यादातर मूंग का स्प्राउट, मोठ का स्प्राउट या चने ज़्यादातर नाश्ते में यही बनाती हूँ। इडली वगैरह भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में, ढोकला वगैरह। तो ऑयली ज़्यादा से ज़्यादा
नहीं खाने की कोशिश करती हूँ कि ऑयली मतलब नाश्ता ज़्यादा ना खा पाऊँ, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दो बार तो पूड़ी पकौड़ी वगैरह बन ही जाता है, वो सभी के यहाँ का रूटीन है। तो चने छोंक दिए हैं और मसालदानी में गरम मसाला थोड़ा सा कम हो गया है तो उसको फिल कर रही हूँ। और आजकल प्याज तो खाई नहीं जा रही है तो चने में सोच रही हूँ थोड़ा सा टमाटर डाल दूँ तो चटपटा सा हो जाएगा, क्योंकि प्याज लहसुन तो बंद ही चल रहा है। तो चलिए चने तो मैंने छोंक दिए हैं, जब तक वो बनते हैं तब तक बना लेती हूँ मिल्क शेक, क्योंकि रात में किसी ने दूध नहीं पिया तो रात का भी दूध रखा है और सुबह भी दूध वाले भैया आ गए तो सुबह का दूध भी दे गए हैं। तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैंने जो है अंजीर और किशमिश दोनों तरह की भिगो के रख दी थी फ्रिज में, तो वही निकाल लिया है और बढ़िया सा शेक बना लेती हूँ। और इसका भी पूरा वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, बनाना एप्पल विद ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। तो आज यही हेल्दी नाश्ता सबको मिलेगा। तो चने का भोग भगवान को लगा दिया है और अब देने जा रही हूँ सबको नाश्ता। और बाहर थोड़े से चने लेके गई चिड़ियों को डालने के लिए, तो देखा पानी भी उनका गर्म हो रहा है, तो मैं दिन में एक दो बार बदलती रहती हूँ, तो ले आई हूँ उनका सिरवा उठा करके और उसमें ताज़ा पानी भर के रखने जा रही हूँ। पहले उनका काम कर देती हूँ फिर बाद में करूँगी मैं अपना नाश्ता। तो यहाँ देखिए मैंने पानी भर के अच्छा सा रख दिया है और बाजरा भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है तो वो भी डाल देती हूँ। और साथ में डाल दिए एक दो चम्मच जो चने मैंने छोंके थे वो भी डाल दिए, तो गिलहरी और चिड़िया वगैरह खाते रहते हैं। और फिर मैं आ गई अपना नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद फिर आ गई किचन में और थोड़े से चने मैंने बचा दिए थे तो उनको एक टिफ़िन में बंद करके रख दूँगी, तो इसमें अंकुरित हो जाएंगे, वो अंकुर निकल आएंगे। और दूध भी रखा था तो दूध भी छान के चढ़ाने जा रही हूँ। और अब सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाया जाए। और अब रात के बर्तन जो धुले रखे थे टब में, उन बर्तनों को सेट करना है अपनी जगह पे, तो वो लगाने जा रही हूँ। और सोच भी रही हूँ कि क्या बनाऊँ आज खाने में, सारी औरतों के साथ यही समस्याएं रहती हैं। हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का दिमाग भी और कहीं चलता रहता है कि अभी क्या बनना है, बाद में क्या बनना है, तो सोचती भी जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। तो बर्तन लगाने के बाद अब नाश्ते के जो बर्तन थे उनको धोने जा रही हूँ, तो फटाफट उनको भी धो के रख दिया मैंने।
और इधर दूध भी देखिए उबल गया है और अब डिसाइड भी हो गया है कि क्या बनना है। तो मैं बनाने जा रही हूँ मिथौरी की सब्ज़ी, आलू मिथौरी जिसको बड़ी बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। और जग भी फिल करके रख देती हूँ तो बार बार इस नीचे वाले मिल्टन से पानी नहीं लेना पड़ता है, एक जग भर के रख देती हूँ तो उसी से पूरा खाना वगैरह बन जाता है। तो बस अब सब्जी काटने जा रही हूँ, आलू काटने जा रही हूँ यहाँ पे। तो टमाटर भी ले लिए हैं और बड़ी भी निकाल ली है। तो बड़ी की सब्ज़ी पहले बचपन में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और शादी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी और अब तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मम्मी भी मेरी लगाती थी कुम्हड़े की बड़ी, उनको कुम्हड़ौरी बोलते थे, जो पेठा जिससे बनता है, तो बहुत ही टेस्टी होती हैं। लेकिन ये घर की नहीं है, ये बाज़ार की है। अब आजकल कहाँ कोई इतना लगाता है, तो ये बाज़ार से मैं लाई थी। ये बड़ी बड़ी थी काफ़ी, चार पांच, तो इनको मैंने धूप में खूब अच्छे से सुखा के तोड़ के एक डब्बे में भर के रख दिया है। जब खाना होता है तो बना लेती हूँ थोड़ी थोड़ी करके। तो देखिए इस ये बड़ी को मैंने तेल में फ्राई कर लिया है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह भूजते हैं ऐसे ही भूज के, हल्की सुनहरी सी हो जाएंगी, लाल लाल सी, तो ऐसे भूज के निकाल लेते हैं और फिर मसाला डाल देते हैं। इसमें मैंने डाल दिया जीरा, हींग और पिसी मेथी और तेज पत्ता और हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, और उसके बाद डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद बड़ी डाल देंगे और फिर डाल देंगे आलू। तो बन जाएगी अपनी आलू मिथौरी की सब्ज़ी, टेस्टी टेस्टी। अच्छे से चलाने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने एक गिलास पानी और बस लगा दूंगी ढक्कन। तो बस एक या दो प्रेशर में, एक ही प्रेशर में बड़ी अपनी पक जाएंगी। थोड़ा सा मतलब दाल की होती हैं तो थोड़ा पकने में खुले में टाइम लेती है, इसीलिए मैंने प्रेशर कुकर में बनाया, तो बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। और यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा फटाफट। कुकर में सीटी हो गई है और मैंने गैस बंद कर दी है और मैं थोड़ा सा आटा लेके आ गई हूँ चिड़ियों की ट्रे के पास। थोड़ी सी छोटी छोटी गोलियाँ बना के डाल देती हूँ, तो इनको कच्चा आटा भी अच्छा लगता है, तो वही मैं थोड़ा सा आटा रोज़ लेके आ जाती हूँ और डाल देती हूँ। तो जो कुछ भी बनता रहता है वो अपना थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, तो ये पक्षी आके खाते रहते हैं, गिलहरी वगैरह।
और जैसे ही मैं डाल के अंदर आई, देखिए चिड़िया आने लगी हैं। तो ये कच्ची आटे की जो छोटी छोटी लोइयाँ हैं, लोई छोटी छोटी बॉल करके डाल दे तो वो भी इन्हें बहुत पसंद आती है। तो आ गए खाने के लिए सारे। तो देखिए सब्जी बन गई है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया, तो मुझे तो बहुत पसंद है आलू मिथौरी की सब्ज़ी। और देखिए मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। तो टमाटर जो डाले थे मैंने काट के, उसी वजह से ये कलर आया है। बहुत ही अच्छी लग रही देखने में और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और इधर मैं बना रही हूँ फटाफट सबके लिए रोटियाँ, तो लगाऊंगी अब सबके लिए थाली। तो इधर रोटियां सेक ही रही थी तब तक सब्जी वाले भैया आ गए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो मेरे हस्बैंड लेने चले गए सब्जी। तो वो सब्जी भी ले आए नीचे से। तो सब्जी वाला भी आ गया, तो सब्जी भी ले आए जा करके। और यहाँ लगाने जा रही हूँ सबके लिए थाली। तो मिलते हैं आप सबसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।